दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि स्नैपचैट की फोटो गैलरी में कैसे सेव करें। जी हाँ दोस्तों, स्नैपचैट की फोटो गैलरी में भी सेव की जा सकती है और बहुत ही अच्छी फोटो आती है। तो आप सभी को स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों सिंपल सा आप सभी को करना क्या है, इसके लिए सबसे पहले आप सभी को चले जाना है यहाँ पर, आप सभी को चले जाना है अपने कोई भी ब्राउजर आप सभी को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जैसे आप ब्राउजर ओपन करेंगे, सर्च बॉक्स में आप सभी को लिखना क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ब्राउजर ओपन हो जाएगा, सर्च बॉक्स में आप सभी को लिखना है, यहाँ पे लिखना है स्नैपचैट, यहाँ पे लिख लिए स्नैपचैट की फोटो। ये देखिए ऊपर लिख के आ गया है, आप देख सकते हैं लिख के आ गया स्नैपचैट की फोटो गैलरी में कैसे सेव करें, ये लिख के आ गया। आप सभी को इसी को ध्यान पूर्वक यही लिखना है। तो यहाँ पे मैं सर्च पे क्लिक कर लेता हूँ, जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो है सर्च हो जाएगा। और आप सभी को वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अब यहाँ पे सर्च हो जाने देते हैं और स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप सभी को नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद ये देखिए सेकंड नंबर पे मेरी एक पोस्ट आप सभी को रैंक करती हुई दिख रही होगी। ये देखिए मेरी पोस्ट रैंक कर रही है, आप सभी को इस पोस्ट पर आके क्लिक करना है। और यहाँ पर वेबसाइट का नाम देख लीजिए, ये दूसरे नंबर पे रैंक कर रही है, akgmind.com है। और आप सभी को जो मैंने बताया वही आप सभी को सर्च करके लिखना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद जैसे आप क्लिक कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पोस्ट ओपन हो जाएगी, यहाँ पे पोस्ट ओपन हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे पोस्ट लिखी हुई है और इसमें आप सभी को जो बताया गया है तरीका है, आप सभी को उन तरीकों को यहाँ पे देख लेना है। और जैसे आप तरीकों को देखेंगे यहाँ पे आप सभी को स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी जो यहाँ पे पता चल जाएगी। और इसके साथ ही मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहता हूँ, ये पोस्ट तो आप इस तरीके सर्च करके पढ़ भी सकते हैं और इसी पोस्ट में मैंने एक वीडियो का लिंक भी दिया है, आप सभी नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे। अगर आपको पोस्ट में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सभी इस वीडियो को भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ स्नैपचैट की फोटो गैलरी में सेव करने वाला वीडियो, और यहाँ पे ये वीडियो भी आप सभी को इम्बिल्ड दिखेगा। आप सभी इस वीडियो पर क्लिक करके भी बहुत ही आसानी के साथ स्नैपचैट की फोटो को गैलरी में सेव कर सकते हैं और गैलरी में बहुत ही अच्छी स्नैपचैट की फोटो आती है। तो इस पोस्ट को पूरा आप पढ़िएगा और इस पोस्ट को यहाँ से आप सभी को लाइक शेयर भी करना है। यहाँ पे आप नीचे आएंगे और यहाँ पे दोस्तों आप सभी देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे लाइक शेयर का भी ऑप्शन आप सभी को मिलता है। तो ये देखिए यहाँ से आप कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे कोई कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं लिंक कॉपी करके। और यहाँ से आप सभी को लाइक करना है, अगर आपको पसंद नहीं आती तो डिसलाइक कर सकते हैं, तो यहाँ लाइक डिसलाइक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ सारी जानकारी सीख गए होंगे और मुझे आशा है कि इस पोस्ट और इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी भी अपनी स्नैपचैट की फोटो को अपनी गैलरी में डाउनलोड करना सीख जाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन जरूर कर लीजिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।